नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइफ चैनल पे पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज हम दोस्तों इस खास एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं आने वाले समय में जो मई के महीने में विशेष ग्रह स्थितियां बनने वाली हैं। और मई का महीना बहुत खास इसलिए है क्योंकि अप्रैल या मई इसमें चुनाव होने वाले हैं बहुत से राज्यों में, और विशेषकर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, केरल में चुनाव होने हैं, जैसा हम जानते हैं तमिलनाडु, पांडिचेरी, कई राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो राजनैतिक दृष्टिकोण से ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ग्रह के जो परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से 4 ग्रहों की युति बनेगी, और शायद आप ये 4 ग्रहों 5 ग्रहों की युति सुनते ही डर जाते होंगे कि फिर से खराब बातें होंगी। तो इस बार जो युति बन रही है वो बुध, शुक्र और सूर्य राहु के साथ जा रहे हैं वृषभ राशि में। इसके अलावा 2 और भी बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, बड़े बड़े ग्रहों के बड़े बड़े परिवर्तन अप्रैल में 5-6 तारीख को गुरु जो है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे, और मई में 23 मई को शनि देव वक्री हो जाएंगे। दोस्तों इतने सारे ग्रहों के परिवर्तन अप्रैल और मई में होने वाले हैं, विशेष करके मई का महीना बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल होने वाला है, और बहुत से लोगों के सिर से ताज नीचे आएंगे और बहुत से नए लोगों के सिर पे ताज सजेंगे। बहुत से जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके तबादले होंगे। बहुत सारे लोग जो खराब समय अभी फेस कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय अप्रैल से आएगा, और बहुत से लोग जो अभी बहुत अच्छा समय एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए कुछ खराब समय आएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 महीने अप्रैल और मई के होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या हो सकता है इस अप्रैल और मई के महीने में। सबसे पहली बात करूंगा दोस्तों, जब गुरु चले जाएंगे कुंभ राशि में, अभी जो कि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनके लिए अष्टम भाव में संचरण है, या सिंह लग्न, सिंह राशि के जो जातक हैं जिनके लिए छठवें भाव में संचरण चल रहा है, या फिर कुंभ लग्न, कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनके लिए ये 12वें भाव में संचरण चल रहा है, तो उन सभी के लिए दोस्तों ये जो समय है काफी सकारात्मक परिवर्तन लेके आएगा। यानी कि मिथुन के लिए, सिंह के लिए और कुंभ के लिए, इनको काफी अच्छे परिणाम, जो अभी जो इनका काफी खराब समय चल रहा है वो कुछ बेहतर समय अप्रैल के शुरुआत से हो जाएगा। तो इन राशि वालों को खराब समय लगभग 1 सवा महीने का ही बचा हुआ है, तो वो मन में अपने संतोष रखें और शांति रखें। श्रद्धा और सबूरी जो शिरडी वाले साईं बाबा के आदर्श वाक्य हैं, तो सबूरी रखने की जरूरत है इन 3 राशियों को। आने वाला समय अच्छा होगा। कुछ राशियां जिनके लिए ये 6, 8, 12 भाव में चले जाएंगे जब कुंभ में जाएंगे, तो जैसे कन्या है उनके 6वें भाव में चले जाएंगे गुरु, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अष्टम भाव में जिनकी राशि पड़ती है, यानी कि कर्क राशि उनके अष्टम भाव में पड़ती है ये कुंभ राशि, तो कर्क के लिए भी समय थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा अप्रैल के प्रारंभ से। और इसी प्रकार मीन राशि वालों के लिए, हालांकि उनका समय अभी थोड़ा सा सुधरा था, लेकिन फिर से एक चैलेंजिंग टाइम उनके लिए अप्रैल के महीने से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुई अप्रैल में जो गुरु के राशि परिवर्तन की बात है। इसके साथ ही साथ मैं पॉलिटिकल पॉइंट को भी अगर लेता चलूं तो आपको बता दूं कि जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है वो मिथुन लग्न है उसकी और वृश्चिक राशि है, तो उसकी लग्न के सापेक्ष गुरु का ये परिवर्तन बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल हो या केरल हो,
या तमिलनाडु या इस तरह के जो राज्य हैं जहां उनकी ज़्यादा उपस्थिति नहीं है, निश्चित रूप से वो बेहतर करेंगे, ये बात तो स्पष्ट है चुनावों में। हालांकि चुनाव की तारीख अभी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई के महीने में ही चुनाव होंगे ऐसी उम्मीद है। तो अप्रैल मई में जो भी चुनाव होंगे, जिन भी राज्यों के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी उसमें पहले से बेहतर करेगी, पहले से ज़्यादा सीट लाएगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सत्ता में आ जाएगी। सत्ता में वो आएगी या नहीं, ये दूसरे पक्ष की कुंडली भी देखना इसके लिए आवश्यक है, साथ ही साथ कब चुनाव होंगे ये भी देखना आवश्यक है। तो इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे जब तारीखें डिसाइड हो जाएंगी उस समय। पश्चिम बंगाल के बारे में ये जरूर कहूँगा कि ममता बनर्जी जी जो हैं उनकी मेष लग्न और वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि और मेष लग्न के हिसाब से 50-50 की स्थितियां उनके लिए रहेंगी, तो बहुत सकारात्मक भी नहीं है उनके लिए, बहुत नकारात्मक भी नहीं है। इसमें शनि का गोचर जब बदलेगा उसकी बात करता हूं आगे। तो अभी ये गुरु की जो बात है वो मैंने आपको बताई कि अप्रैल में जब गुरु बदलेंगे तो तीन राशियों के लिए थोड़ा अच्छा समय आएगा, तीन राशियों के लिए थोड़ा खराब समय आएगा, बाकियों के लिए एवरेज सा रहेगा। डिटेल्ड वीडियो हम लेके आएंगे बाद में। अभी सेलियंट पॉइंट्स, मुख्य बिंदु आपको बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो चार ग्रहों की युति मैं बोल रहा हूं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जिसमें 30 अप्रैल के आसपास बुध जो है वृषभ राशि में जाएंगे, राहु यहां बैठे हुए हैं, 4 मई को शुक्र जाएंगे वृषभ राशि में और स्वग्रही हो जाएंगे लेकिन राहु के साथ हो जाएंगे, और सूर्यदेव 14 तारीख को 14 मई को वहां पर जाएंगे। तो फिर वहां पे चार ग्रहों की युति 14 तारीख से बन जाएगी। उसके पहले भी 10 11 12 को चंद्रमा वहां रहेंगे तो चार ग्रहों की युति उस समय भी रहेगी, यानी कि लगभग 10 तारीख से चार ग्रहों की युति बनना शुरू हो जाएगी वृषभ राशि में। तो ये जो 10 मई के आसपास है, हमें लगता है कि चुनाव के संबंध में ये जो डेट्स हैं 10 मई के आसपास की जो डेट है वहां से लेके लगभग 20 मई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हालांकि चुनाव की डेट्स अभी डिसाइड नहीं हुई हैं, लेकिन ये जो डेट्स हैं 10 मई से या 9 मई से लेके 20-21 मई, इस समय जरूर ये महत्वपूर्ण तिथियां हमें ज्योतिषीय मान से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से दिखाई देती हैं, और इस समय जरूर गतिविधियां तेज रहेंगी। साथ ही दोस्तों वृषभ हमारी लग्न है भारतवर्ष की, और उसमें लग्नेश भी आ जाएंगे और राहु के साथ आ जाएंगे, प्लस बुध भी रहेंगे और सूर्यदेव भी 14 तारीख से आ जाएंगे। तो 4 मई जो डेट है जब शुक्र आ जाएंगे और स्वग्रही हो जाएंगे, ज्योतिष का एक नियम है दोस्तों कि जब कोई भाव और उसका भावाधिपति यानी उसका स्वामी दोनों ही राहु केतु की चपेट में आ जाते हैं तब बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़ी घटनाओं का जन्म होता है। तो उस दृष्टिकोण से 4 मई के आसपास बड़ी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो कि हमें अप्रिय हो, भारत के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं हो, भारत को कष्ट पहुंचाने वाली हो, भारत की के शरीर को या भारतवासियों के शरीरों को कष्ट पहुंचाने वाली हो, जान माल की हानि को करने वाली हो या फिर धन की हानि को करने वाली हो, ऐसी जो बातें हैं वो उस समय हो सकती हैं। वृषभ के लिए शुक्र जो है वो रोगेश भी हैं, यानी रोग भाव के भी स्वामी हैं, और वो जब स्वग्रही होंगे और लग्न में होंगे तो रोगों में भी उस समय पर पुनः वृद्धि हो सकती है 4 मई के बाद। तो दोस्तों ये जो समय है 4 मई से लेकर के मई का लगभग पूरा जो समय है वो बहुत ही क्रिटिकल है, क्रूशियल है, चुनाव के बारे में भी और साथ ही राष्ट्र के बारे में भी। तो उस समय सावधानी ज़रूरी है, जो हमने बताया 4 मई की डेट जहां पर शुक्र वृषभ राशि में एंटर करेंगे और राहु की चपेट में वो भी आ जाएंगे, तो भारत की लग्न भी और लग्नेश दोनों राहु की चपेट में आ जाएंगे।
यही ज्योतिष में सीखने की बात होती है दोस्तों। जो ज्योतिष सीखने वाले हमारे मित्र हैं वो एक दृष्टिकोण ये भी है इसका कि शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप समय आएगा तो देखिएगा कि शुक्र जब भाव और भावेश दोनों पीड़ित होते हैं तो ज़्यादा तकलीफ होती है। ये हम अपने 30 साल के ज्योतिष अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, आप इसको देखिएगा, निश्चित रूप से यही परिस्थितियाँ बनेंगी। तो दोस्तों ये उस समय की बात है। अब इसके बाद अगला जो परिवर्तन आएगा, शनि महाराज शनि देव 23 मई को वक्री हो जाएंगे, और जैसा कि हम जानते हैं गेम चेंजर सबसे बड़े शनि देव होते हैं, क्योंकि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं ये सभी राशियों को, पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को। तो अभी तो वो स्वग्रही हैं शनि, मकर राशि में स्ट्रेंथ में है। अब जब वक्री कोई ग्रह होता है तो उसकी स्ट्रेंथ अगर स्वग्रही हो के वक्री हो तो पूरी तरह से डूब जाती है, खराब हो जाती है। इसी दरमियान ममता बनर्जी जी की कुंडली का जिक्र करूंगा, जिनकी मेष लग्न और वृषभ राशि है, और दोनों ही कुंडलियों से यानी कि लग्न कुंडली और राशि कुंडली दोनों से, यानी कि चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली से, शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और शनि की उनकी दशा भी चल रही है। ऐसे समय में शनि का वक्री होना उनके लिए बहुत ही खराब परिणाम ला सकता है 23 मई के बाद, और लगभग 4-5 दिन वक्रत्व में जब ग्रह आता है तो उसका प्रभाव शुरू हो जाता है, यानी कि 18 तारीख से ही। अगर 18 मई के बाद चुनावों का रिजल्ट आएगा या चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी जी के लिए अच्छा समय नहीं है, उन्हें हार का मुख देखना पड़ सकता है। लेकिन अगर उसके पहले चुनाव हो जाते हैं अप्रैल एंड में या मई के शुरू शुरू में ही हो जाते हैं, सब चुनाव खत्म हो जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है, तो ममता बनर्जी जी के लिए समय ठीक रहेगा। तो यही ज्योतिषीय दृष्टिकोण कहता है। और अब आइए देखिए आगे आने वाले समय में कब चुनावों की तिथि आती है, कब चुनाव होते हैं। 27 मई के बाद, माफ़ कीजिएगा, 18 मई के बाद जैसा मैंने बताया शनि का वक्री होना ममता जी के लिए राजनीतिक रूप से एक बड़े सेटबैक को दे सकता है। हालांकि जो उनका सेटबैक रहेगा वो स्थायी नहीं रहेगा, और बाद में पुनः जब शनि मार्गी होंगे तो पुनः उनको राजयोग की प्राप्ति करा सकते हैं 3-4 महीने के बाद। तो अस्थाई रूप से उनको सेटबैक लगने की उम्मीद हमको लगती है। फिलहाल उनकी कुंडली देखते हुए, बीजेपी की कुंडली देखते हुए हम यही कह सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन हम चुनावों की तारीख आने के बाद ही दे पाएंगे। तो दोस्तों शनि का वक्री होना आपके लिए क्या फल लेके आ सकता है, जैसा मैंने गुरु के बारे में बताया उसी तरह से शनि के बारे में बताऊंगा कि शनि जिनके लिए अभी बहुत सकारात्मक हैं, जैसे मेष के लिए सकारात्मक हैं, वृषभ के लिए भी सकारात्मक हैं, इसके अलावा कर्क के लिए भी ठीक हैं, सिंह के लिए भी ठीक हैं, और कन्या के लिए 50-50% वाली स्थिति है, तुला के लिए तो कष्टप्रद हैं, और वृश्चिक के लिए भी अच्छे फल को देने वाले हैं फिलहाल, मकर के लिए भी अच्छा फल दे रहे हैं। तो ये जो राशियां हैं उनके लिए फलों में कुछ परिवर्तन आएगा निश्चित रूप से। मेष के लिए सेटबैक आ सकता है, वृषभ के लिए भी कष्टप्रद स्थितियां बनते बनते जो काम है रुक सकते हैं 18 मई के बाद। कर्क के लिए भी वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी के संबंधों में, पत्नी के पति के स्वास्थ्य में, या धंधे पानी में, बिजनेस में, या पार्टनरशिप में अचानक उलझाव की स्थितियां पैदा करेगा शनि का वक्री होना। सिंह के लिए तो ठीक है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, कन्या को जरूर बहुत फर्क पड़ेगा, और उनको अचानक से कुछ अड़चन बाधा परेशानी की स्थितियां बन सकती हैं 18 मई से। तुला के लिए एक तरह से
सकारात्मक परिणाम ला सकता है शनि का वक्री होना, कुछ मामलों में नकारात्मक भी लाएगा लेकिन कुछ मामलों में सकारात्मक फल भी लाएगा, तो उनके लिए 50-50 वाली स्थिति रहेगी। वृश्चिक के लिए भी सामान्य ही है, धनु के लिए भी सामान्य है, मकर के लिए कुछ कष्ट ला सकता है, तबीयत सेहत से संबंधित परेशानी, आत्मविश्वास में गिरावट, धन का खर्च होना, ये सब फल लेकर के आ सकता है। कुंभ के लिए अच्छा फल लेके आएगा शनि का वक्री होना, अच्छा नहीं तो कम से कम कष्टों में कुछ रुकावट आएगी, कुछ बेहतरी वो महसूस करेंगे। मीन राशि वालों के लिए जो धन प्राप्ति किए उनके योग अच्छे चल रहे थे उसमें कुछ बाधाजनक योग ये लेके आएगा। तो दोस्तों शनि का वक्री होना भी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ बड़े परिवर्तन लेके आएगा, और जैसा हमने कहा कुछ के सिर से ताज हट सकते हैं, जैसे मेष, वृष, कर्क, मकर, कन्या, इनके सिर से ताज हट सकते हैं, जबकि कुछ के सर पे ताज सज सकते हैं। उसमें मिथुन के सर पे ताज सज सकता है, इसके अलावा तुला के लिए भी ठीक रहेगा, उनको भी सज सकता है। तो अच्छा परिणाम, बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम तो कम ही राशियों के लिए है, लेकिन खराब परिणाम ज़्यादा देगा शनि का वक्री होना। तो दोस्तों ये एक वानगी है, एक ओवरव्यू है अप्रैल और मई के लिए, जो कि बड़े परिवर्तन विशेष करके सभी राशियों के लिए लेके आने वाला है अप्रैल और मई का महीना। अभी आप जिस स्थितियों में पिछले 3-4 महीनों से चल रहे हैं, एक महीने बाद उसमें परिवर्तन आएगा और निश्चित रूप से ये परिवर्तन दूरगामी होगा और अगले साल के ट्रेंड को सेट करेगा। तो समय का ध्यान रखें, जो भी निर्णय लेना है वो उसी हिसाब से लें। अभी जो मंगल और राहु की युति चल रही है दोस्तों, उस पर मैंने कल एक वीडियो डाला था, एक दो चीज़ें उसमें मैं और जोड़ना चाहता हूँ। एक चीज़ विशेष रूप से, रियल इस्टेट का जो मार्केट है दोस्तों, हमने अपने रियल इस्टेट के बारे में जो एक वीडियो डाला था, आप उस वीडियो का लिंक हम दे रहे हैं, उसको देखिए। हमने बताया था कि 2020 में नवंबर के महीने से रियल इस्टेट का मार्केट राइज करेगा एक साल के लिए, और फिर एक साल के बाद फिर उसमें कुछ स्थिरता और कुछ डाउनफॉल आएगा, यानी कि 2021 नवंबर से 2022 नवंबर, और फिर 2022 नवंबर से पुनः वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और 25 तक आगे बढ़ता रहेगा। और हमारी जो भविष्यवाणी थी वो पूरी तरह से सच सिद्ध हुई है। जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए हमारे दोस्त हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि नवंबर के महीने से कितना उठाव रियल इस्टेट के इस बिज़नेस में आया है, और वो भी अभी चल रहा है। तो रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है ये दोस्तों, अब जबकि मंगल और राहु की युति होगी तो अचानक इसमें बड़ी तेज़ी के भाव आपको दिखाई देंगे। फिर से ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ी हो रही है, लेकिन इस समय आप बहुत सावधानी से अपनी डील करें, क्योंकि इस डील में आपको नुकसान होने का खतरा बनता है। इसलिए क्योंकि मंगल के साथ राहु है और कुछ हिडन चीज़ें इसमें डील में हो सकती हैं, जो कि बिल्डर, डेवलपर या जो भी आपके साथ डील कर रहे हैं वो हो सकता है आपको ना बताएं, भूल जाएं, इंटेंशनली ना बताएं, या आप ओवरलुक कर लें, या आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें जो कि डिस्प्यूटेड है। इस तरह की बातें जो है, ये जो डेढ़ महीने का समय है जो कि कल से प्रारंभ हो रहा है 21 फरवरी से और डेढ़ महीने चलेगा, तो इस दौरान आप रियल इस्टेट में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। सावधानी रखिए, इन्वेस्ट करना भी है तो ध्यान रखिए, सारी चीज़ों को ठोक बजा लीजिए उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। और एक बात और, रियल इस्टेट से जुड़े हुए जो मित्र हैं, कि ये राहु जो है वो किसी भी चीज़ को बढ़ाता है बहुत तेज़ी से, एकदम उसमें बैलून के जैसा उसको ऊपर उठा देता है, तो हो सकता है रियल इस्टेट का बिजनेस भी कुछ समय के लिए तेज़ी से बढ़े। लेकिन दोस्तों राहु जो है मोटा करके काटता है, वो बकरे को मोटा होने देता है, उसके बाद हलाल करता है।
तो उसके बाद बहुत ही बुरी तरह से रियल एस्टेट का मार्केट इसमें गिर भी सकता है। तो जो रियल एस्टेट वाले लोग हैं जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो सावधानी से और इसमें डील करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। वो भी जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद लिए और बाद में उसको डेवलप करके बेचना है तो अभी फटाफट उस पर डील कर लें। बहुत सावधानी आप भी रखें क्योंकि डील में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। और जो बूम है, अगर आप लिंगर ऑन कर रहे हैं अपनी डील को, सोच रहे हैं कि आगे और फायदा देगी, तो हो सकता है ऐसा ना हो। क्योंकि शनि भी जैसा मैंने बताया 23 मई से 3-4 महीने के लिए जब वक्री होंगे, तो हमने अपने जो वीडियो का लिंक दिया उसमें बताया था कि शनि एक प्रमुख ग्रह है और मकर राशि प्रमुख राशि है रियल इस्टेट की। तो जब मकर राशि भी कमजोर हो जाएगी और शनि भी कमजोर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि मई के बाद 3 महीने तक रियल इस्टेट का मार्केट फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेगा। ऐसा हमारा प्रिडिक्शन है, ऐसा हमारा आकलन है। ये ज्योतिष के आधार पे हम कह रहे हैं, जो भी विवेचना है। तो आप सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि आप सावधानी से अपनी डील करें और रियल एस्टेट में जो भी लोग पैसा लगा रहे हैं वो सोच समझ के लगाएं, अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्यगत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगाएं। तो दोस्तों ये था हमारा ये वीडियो, आशा है आपको पसंद आया हुआ होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। आपसे बहुत बहुत अनुरोध और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इनकी हमको आवश्यकता है। जितना आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमारा विश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।